बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम है नरोज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नरोज अली ऑफिशियल। जी दोस्तों, आज ये जो वीडियो है, ये आज का जो व्लॉग है, ये मैंने रिकॉर्ड किया था 26 सितंबर 2021 में और आज मैं इसको एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाई थी, मेरा जो सेकंड चैनल है हेवन फूड वर्ल्ड के लिए, एक मैंने रेसिपी बनाई थी यहाँ विलेज में अपने फार्म हाउस पे, तो वहाँ से मैंने ये रिकॉर्ड की थी। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जो है अपनी वीडियोस जो है, जब मैं अपने विलेज में जाता हूँ फार्म हाउस में, जब मैं जाके शूटिंग करता हूँ, तो मैं किस तरह से अपनी वीडियोस को शूट करता हूँ, जो मेरी कुकिंग की वीडियोस होती हैं। तो ये मैं वीडियो आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर इंजॉय करोगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जो चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जी यहाँ पे जो एक साबुत मुर्गी ली थी मैंने ये वीडियो बनाने के लिए, और इसको मसाला जात लगा के जो है मैरिनेशन के लिए, जो है मैरिनेट होने के लिए इसको रख दिया था, मैंने छोड़ दिया था। बहुत ही पुरसकून जगह, सितंबर का महीना था, ये देखें दरख्तों की बिल्कुल ठंडी छांव थी, बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे शूटिंग का और सब लोगों ने हमने बहुत इन्जॉय किया था। ये सहरिश फातमा है और ये इसके पापा हैं मामू मेरे तारब हुसैन, और ये उमर जा रहा है और ये नरोज आ रहा है और ये अली है, ये मेरा कैमरामैन होता है। और ये मेरे मामू तालब हुसैन है, इस शूटिंग के 4 दिन बाद इनकी डेथ हो गई थी। तालब हुसैन मेरे मामू, ये सहरिश फातमा के पापा हैं। और ये चारा काटने के लिए, ये देखते हैं दरख्तों की छाएं, गर्मी थी तो ये जो माल मवेशी होते हैं दोपहर के टाइम जो होते हैं, वो दरख्तों के नीचे हम बांध देते हैं ये फार्म हाउस में ही। जी ले जी, ये शूटिंग हो रही थी, ये देखें ये कैमरा पकड़ा हुआ है अली ने, और ये जो है मुर्गी को मैं ऑयल लगा रहा था। तो ये देखें ये है हेवन फूड वर्ल्ड। तो ये बार बार भी सम टाइम जो होता है ये सीन लिया जाता है, सम टाइम होता है कि फर्स्ट टाइम ही बिल्कुल जो है ना सही तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। ये देखिए ये जो मैं जिसके साथ ये ऑयल लगा रहा हूँ ना, ये बाजरे का सिटा है, इसी को मैंने यूज़ किया था। ये सामने बाजरे की फसल है, वहाँ से लिया था मैंने। ये उमर है, गर्मी में हमने मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा की। ये देखें ये दोबारा से जो है ना सीन लिया जा रहा था, ये देखें, और बहुत ही मज़ेदार ये बनी थी मुर्गी। और ये साहब जो है ना चाय भी बना रहे थे, क्योंकि जब हमने ये खाना था, ये लंच करना था, उसके बाद फिर वहीं तो चाय का इंतज़ाम होता है। ये देखें ये मामू खादम है मेरे, ये चाय बना रहे हैं यहाँ पे। चाय की पत्ती डाल दी इस पर।
अब ये देखिए शूट हो रही, वहाँ से मैंने मुर्गी ली है, अब जहाँ पे आके यहाँ पे हमने खाना है, एंड करना है। ये देखिए मैं आ रहा हूँ, मुर्गी पकड़ी हुई मैंने, और ये अली जो पीछे कैमरा लेके मेरे आ रहा है, ये देखिए इस तरह से शूट की थी। और ये हम आ गए हैं, ये देखें यहाँ पे, ये जो है तीनों मेरे मामू हैं, ये जो सफ़ेद दाढ़ी है जिनकी, ये मेरे मामू सबसे बड़े हैं मुनव्वर हुसैन, ये उसके आगे मैं हूँ यानी कि नरोज अली, उसके साथ मेरे मामू मोहम्मद हुसैन बैठे हुए हैं, और जो साथ जो लाइट ब्लू ड्रेस जिसने पहना हुआ है अभी, ये मुर्गी को खोला जा रहा है, ये रखें, ये लाइट ब्लू ड्रेस जो है ना, ये मेरे मामू तारक हुसैन है। इस शूटिंग के बिल्कुल 4 दिन बाद लाहौर आके मेरे मामू की डेथ हो गई थी इनकी। अल्लाह पाक ने इनको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इनका नाम तारक हुसैन था, और एक मेरे मामू यहाँ पे नहीं है, दो सॉरी मामू खादम हुसैन, दो चाय बना रहे थे ना वो भी साथ, ये वीडियो रिकॉर्ड वो कर रहे हैं बेसिकली, मैं उधर वो शूट करवा रहा हूँ, अली मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। देखिए मामू खादम हुसैन ने कैमरा पकड़ा हुआ है, ये वाली वीडियो बना रहे हैं जो मैं आपके साथ अपलोड कर रहा हूँ, और एक मेरे मामू आशिक है वो यहाँ पे नहीं थे, वो जो मुनीब लड़का बैठा ना ब्लैक ड्रेस में, ये उनका बेटा है। बहुत मज़े की बनी थी, दरख्तों की ठंडी छाँव, और इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जब बन के एंड हुआ ना, यकीन करें इतना मज़ा आया खाने का मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोगों के भी अगर कोई विलेज है, कोई रिश्तेदार रहते हैं, तो छुट्टियों में आप लोग विलेज में ज़रूर जाया करें, यकीन करें बहुत ही मज़ा आता है जाने का। ये देखें यही मैंने शूट करवाया सीन, अली जो है कैमरा लेके बिल्कुल नज़दीक आया था, पीछे फिर भी चला गया। ये तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और मैंने आपके साथ ये शेयरिंग की है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर इंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे मामू तालब हुसैन की मगफरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और ये वो रेसिपी थी कम्प्लीट जो मैंने अपलोड की थी हेवन फूड वर्ल्ड चैनल पर, आप चाहे तो इसको ये वॉच कर सकते हैं फुल वीडियो, और इसका मैं लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।